सबा जो है स्कूल से लेट हो गई है, इसे छोड़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी फख्तर गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जर व्लॉग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में रहते हुए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सर्दी से जो है बात नहीं हो पा रही, हाथ भी बर्फ, कान भी बर्फ और मुंह भी ऐसे थर थरा रहा है, बहुत ही मुश्किल है सुबह सुबह जो है बाहर निकलना, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और हाँ, अभी जो है सबक स्कूल छोड़ कर आया हूँ मैं, तो जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई है मुझे। मैं और वकास भाई एमआरवी की सदीकी जा रहे हैं हजरों की तरफ, और आज गांव के अंदर अंदर से और उसकी मलकमाला बाराजाई नटोपा के रास्ते से इंशाल्लाह लेकर के जाएंगे हजरों की तरफ। दोस्तों, मैं और वकास भी जा रहे हैं हजरों, वहाँ पे दावत है मेरी और वकास भाई की, इंशाल्लाह वापसी फिर इंशाल्लाह बाज़ार में कुछ सामान लेना है और जल्दी से आते हैं जी हजरों से वापस, क्योंकि मौसम भी जो है गड़बड़ लग रहा है। देखें जी, इंशाल्लाह देखें सेब में और अमरूद में तो फर्क दिखाई नहीं देता, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ्रूट है। वेलकम बैक दोस्तों, मौसम बहुत ही खुशगवार है, पूरे जो है तकरीबन 30 घंटे के बाद जो है मोबाइल ऑन हुआ है, बड़ी मुश्किल से चार्जर किया है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। ये देखें सूरज अभी तक नहीं निकला, बिजली को जो है ब्रेक डाउन लगा हुआ है, कुछ मसला चल रहा है मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में, उस वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सका न बना सका। कल भी मौसम बहुत ही प्यारा था बारिश के बाद, लेकिन आज जो है फिर जो है मतलब के रात को जो है बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जी, ताज़ा लगा रहे जी, बिजली भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं और बाहर तो निकल ही नहीं सकते कि देखें बारिश लगी हुई है, अभी भी हल्की हल्की रिमझिम हल्की हल्की हो रही है। इसके बाद गांव का वीआईपी मौसम, ये बड़ी ज़बरदस्त है जी, घर से बाहर निकले तो ये दुकान तक साथ जाती है। हल्की हल्की धूप निकली जी, मौसम साफ होने वाला है, लेकिन बिजली आने का कोई पता नहीं है फिलहाल, बिजली कब आएगी ये किसी को नहीं पता फिलहाल। बाहर घूम के आए जी, ये देखें जी फिश कच्ची पड़ी हुई है और ये भी मुर्गी भी कच्ची है, अब इनको बनाता हूँ मैं। अच्छा, फिश और मुर्गी तो मैं अलग से निकाल लेता हूँ, क्योंकि फिश भी जो है मैं नमक में खाता हूँ और मुर्गी भी इंशाल्लाह मैं नमक में बनाऊंगा, अभी खाऊंगा फिर आपको दिखाता हूँ कैसे। तो दोस्तों, मैं नमक वाली मच्छी भी पसंद करता हूँ, ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के या सिरका वगैरह निचोड़ के और साथ में वो क्या कहते हैं अजवाइन वगैरह या हो तो ठीक है, नहीं तो नमक नहीं, जब बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो है चाइनीज खाने होते हैं मेरे। देखें दोस्तों, ये हुआ तेल का तो गर्म, ठीक है देख लें अभी भी गर्म है, ऐसी बात नहीं, अभी भी धुआं निकल रहा है और अभी अभी निकालिए देखने गौर करें, और इसको तब तक साथ में मुर्गी तैयार होती है, तब तक मैं जो है फिश को ख़त्म करता हूँ, तो साथ में पहले से पहले फिश को ख़त्म करते हैं, खाए पिए जिंदगी को एंजॉय करें। ये ले जी, ज़बरदस्त, सिर्फ नमक में, ये भी नमक में और फिश भी सिर्फ और सिर्फ नमक में। बैटरी जो है तकरीबन 15% जो है बाकी रह गई है, मोबाइल अब हो जाएगा बंद, तो पेट पूजे भी कर रहे हैं, शुक्र है बिजली आ गई है, तकरीबन 30-35 घंटों के बाद बिजली भी आ गई है, मोबाइल को चार्ज करते हैं और आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चौधरी निफा फर गुजर को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढंग से ख्याल रखिएगा, अल्लाह।